गृहस्थ को चाहिए कि 5 यज्ञ रोज करना चाहिए। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ 5 रोज करिए। जैसे पहली रोटी बने तो गाय को देना चाहिए, आखिरी वाली रोटी बने तो कुत्ते को देना चाहिए। ये यज्ञ है। यज्ञ का आशय इतना ही नहीं होता। कई लोग समझते हैं कि यज्ञ का मतलब हवन स्वाहा स्वाहा तो यज्ञ हो जाएगा। यज्ञ का मतलब है दान देव पूजा संगति करणेषु यज्ञः, जिसमें दान हो, सुविधा का, सम्मान का, स्नेह का, प्रेम का, आदर का, वो यज्ञ है। खाली ऐसे नहीं है कि सब हवन हो गया तो यज्ञ हो जाएगा। उसमें स्नेह भी हो, प्रेम भी हो, आदर भी हो, भाव भी हो, तब वो यज्ञ यज्ञ माना जाएगा। तो इसलिए 5 यज्ञ करिए, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ। पहली रोटी गाय को देना चाहिए, आखिरी वाली कुत्ते को देना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, समझ में आपके आ जाए अच्छी बात है। पहले ये सब नियम में था। गृहस्थ का सबसे बड़ा यज्ञ यही है कि अगर उसके घर में आने वाला मेहमान और अगर उसको प्रेम से भाव से भोजन मिल रहा है तो फिर ये सबसे बड़ा यज्ञ है। और कोई भूखा द्वारे सो जा रहा है तो फिर वो यज्ञ यज्ञ नहीं। पहला यज्ञ करो कि किसी को भोजन मिले भाव से आदर से, ये ध्यान में रखना चाहिए। गृहस्थ को कोई आ जाए, अब वो जमाना कोई और रहा होगा मुझे इतना याद नहीं है। कभी कभी ऐसे जमाना भी था, यहाँ पुराने लोग कुछ बैठे हैं, ऐसे भी लोग थे कि जहाँ ये बगल में फूलपुर है, मोहारी है, और गांव बगल में दिख रहे हैं, भूरेपुरा है, ये सुरैंदा है। तो हमने ऐसा समझा है कि उस समय पर पुराने लोग बताते हैं कि कोई फोन मोबाइल थे नहीं, तो शाम को रात तक इंतजार किया जाता था कि कोई मेहमान आ जाए तो रोटी थोड़ी देर में ही खाओ, आए जाए तो कहीं दोबारा ना बनाना पड़े, उसके लिए इंतजार करना पड़ता। एक थाली इंतजार ही में रहती थी कि कोई आ जाए तो भैया भूखा ना सोवे। उतनी रात को चूल्हा जलते थे, अब तो गैस हो गया, उतनी रात को बनता क्या भाव। तो ये गृहस्थी में छोटी छोटी बात है। परमात्मा तो गृहस्थ जीवन में भी प्रसन्न हो सकते हैं। कैसे? आशीद गिरवरो राजन त्रकूट इति विश्रुता, छीरो देना व्रता श्रीमान योजना अयुत मुच्छ्रिता। समुद्र की तलहटी में त्रकूटा चल नाम का पर्वत है, कुबेर का बगीचा है, वरुण का तालाब है। और उस बगीचे में एक कुआ है, एक जलाशय है, उसमें एक हाथी स्नान करने आया। और स्नान करने में उसका पैर मगर ने पकड़ लिया। अब वो अंदर खींचने लगा, वो हाथी बाहर की तरफ आने लगा। हजारों वर्ष युद्ध हुआ, वो हाथी पैर वो मगर छोड़ ही नहीं रहा है, मगरमच्छ अंदर खींच रहा है। हाथी बहुत परेशान हो गया। उसने अपने पत्नी बच्चों को कहा, ए भैया यहाँ आओ, इधर आओ, अरे हमें बचाओ। पत्नी बच्चों ने कहा, हम क्यों बचाए? अरे भाई हम तुमको बहुत चाहते। पत्नी बच्चों ने कहा कि हम तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहते। तो हाथी ने कहा, पहले तो तुम हमें चाहते थे। बोले, पहले तुम फंसे नहीं थे, फंस गए, थोड़े जाने। बड़ा दुनिया निराली है, समझ लेना, कोई हम ऐसे नहीं कह रहे। ये दुनिया वाले चाहते बहुत हैं, लेकिन तब चाहते हैं जब तुम फंसे नहीं होगे। फंस गए फिर नहीं चाहते। गले में फूलों के हार पड़े हो, कई लोग आगे पीछे जा रहे हो, तो ये दुनिया वाले बिना ही कहे कहने लगेंगे, हमारे खास ही है, बिल्कुल सगे, एकदम खास, बहुत खास, और हथकड़ी पर ही हो, हमारे पुरखन से संबंध खराब, 20 साल से बोले ही चल रहे, खाने पिए नहीं है, और पता नहीं ये दुनिया वाले कितने निराले हैं सब। ये बनी बनी के लाखों निसार होते हैं, ये बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। बड़ा मुश्किल संसार है।